नमस्ते, मैं आज आपको चूड़ी स्टैंड बनाना सिखाऊंगी। माइक्रोम का चूड़ी स्टैंड, उसके लिए हमको चाहिए एक गोला माइक्रोम, एक छोटी सी रिंग कुछ इस तरह से 1 इंच वाली, और अभी फिलहाल बना स्टार्टिंग करने के लिए एक ही डंडी चाहिए इस तरह से। फिर बाद में अंदर चूड़ी डालने के लिए 2 3 4 जितना भी आप डाल सकते हो उतना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद चाहिए मोती, करीब 50 ग्राम मोती चाहिए। फिर 100 ग्राम लटकन। फिर इसके बाद एक कैंची। तो आप इसके बाद आप चूड़ी स्टैंड बना सकते हो। जैसे कि चूड़ी स्टैंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले माइक्रोम का धागा काटना होगा, 1.5 1.5 मीटर का 4 रस्सी काटनी होगी। अभी मेरे पास माइक्रोम कम है तो मैं 2 कलर का ले रही हूँ, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं इसलिए थोड़ा कम है, तो मैंने ये कलर का एक लिया है। 2 कलर का मैं यूज करूँगी। 4 आपको टुकड़ा काटना है, 1.5 1.5 मीटर का, 2 मीटर का इस तरह से। फिर इसके बाद टुकड़े को ऐसे इस तरह से मोड़ दीजिए कुछ इस तरह से। फिर रिंग में फंसा लीजिए ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। अब मेरे पास 2 कलर है तो इसलिए मैं एक ये कलर का और एक ये कलर का, 2 कलर के 2 डोरी डाल रही हूँ। और फिर इस तरह से डालिए। फिर इनको रस्सी बनानी है, रस्सी के तरह बनाना है। डोरी बनानी है, एक ही तरफ से ये धागा ऊपर निकालना है इस तरह से। बीच में आप मोती भी डाल दीजिए, ये दूरी जैसे ही होगा टेढ़ा हो जाएगा। और आप मोती डालो बीच में तो सुंदर लगेगा, जैसे कि 2 धागे में, बीच वाले 2 धागे में मोती को डालना है हमको। और ये छोटा मोती है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस रिंग को किसी चीज में फंसा के आप अच्छा से बना सकते हो। इस तरह से बनाइए, 4 इंच तक आपको दूरी बनानी है, जैसे कि 2 मोती डालने तक। अलग कलर के भी आप मोती इसमें डाल सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे इस तरह से। अब लकड़ी डालने के लिए, हमको लकड़ी फंसाने के लिए जगह छोड़नी है इसमें। जैसे ये छोड़ दिया हमने, अब इतना छोड़ देंगे इसको इधर बीच में, इस दूरी में, साइड वाले दूरी में मोती डालेंगे। और बीच में लकड़ी फंसाने के लिए जगह रखती है इस तरह से। मोती डाल दीजिए और ये बीच में जो जगह रहेगी ना, आपको दिखा देती हूँ मैं।
कुछ इस तरह से। ये जो बीच वाली जगह है ना, इसमें हमको डंडी फंसाने के लिए डालना है, मतलब ये भी डोरी बनानी है हमको। इसमें इस तरह से ही बनाना है और 4 इंच में हमको ये जगह छोड़नी है। इसके बाद ये बीच में जो जगह रखी है ना, इसमें ये लकड़ी फंसाने के लिए कुछ इस तरह से, इस तरह से ये लकड़ी फंसाने के लिए जगह छोड़नी है हमको। और फिर आगे उसी तरह से आपको जितनी डंडी डालनी है उतना आप ये ऐसे जगह छोड़ सकते हो 4-4 इंच पे, फिर जितनी भी लकड़ी डालनी है आपको डाल सकते हो। डोरी भी रस्सी हमको बनानी, तो ये दो 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 रस्सी के बीच में हमको जगह ये खाली है, और ये खाली रखनी होगी क्योंकि ये ऐसे मिले ना, इसलिए हमको एक दूसरा टुकड़ा लेके इसमें फंसाना है, इस तरह से फंसाना है। और इस धागे को हमको चिपका देना है, जैसे लाइटर से इसको थोड़ा सा हल्का गर्म करके पीछे की ओर ऐसे चिपका दीजिए ऐसे, क्योंकि ये दिखाई ना दे, इस तरह से। फिर ये दोनों दूर दूर रहेगा। कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका बैंगल स्टैंड। आप इसमें चाहे तो एक दो दो और तीन तीन डंडी डाल सकते हैं इसमें, पर मैंने डाला नहीं है, मेरे पास इतना बैंगल नहीं है इसलिए मैंने एक ही डाला है। तो आप इसमें बहुत सारा कर सकते हो और अच्छी तरह से रख सकते हो, और थोड़ा सा पैसा में वो बन जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको पसंद आए तो कमेंट के द्वारा, कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं सिखाने की कोशिश करूँगी।